एक बार फिर आर्या और बल्लिया डेयरी फार्म पे हैं और आज ब्रीडिंग के बारे में कुछ खास चर्चा करेंगे सर के साथ, जो इन्होंने नस्ल सुधार के लिए एक क्रांतिकारी बिहार में श्वेत क्रांति लाए हैं वो उसके बारे में ये बताएंगे, जिसके वजह से ये हीफर जो है, हीफर कैटल या बछिया हिंदी में बोला जाता है, वो हाई क्वालिटी बिहार जैसे छोटे राज्य में, बड़े राज्य है लेकिन यहाँ पे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है फार्मिंग और जो पशुपालन, तो यहाँ पे इन्होंने जिग बुल और टायसन जैसे हाई प्रोफाइल बुल का सीमेन का इस्तेमाल करके बिहार का नक्शा चेंज करने का प्रयास किए हैं, तो इन बछिया का स्वरूप और बिहार के किसान का वो बदलेगा। तो सर से खास बातचीत है ब्रीडिंग से लेकर के, सर क्या सर आप इसमें जो एक बड़ा मुहिम खड़ा किए हैं या लोगों के जो सोच को आकर्षित किए हैं, ये ब्रीडिंग नस्ल सुधार ये कैसे संभव हुआ, जर्नी कैसे, कहां से, कब हुआ? नस्ल सुधार का तो मन में तभी ना आएगा जब आप एक गाय से दूध निकाल रहे हैं 10 लीटर 24 घंटा में जी। तो आप डेयरी में दूध दो या कहीं मार्केट धराओ जी, पैसा शाम को जो पैसा आया या मंथली पैसा आया जी, तो गुना भाग कहला के बाद में लगा कि जीरो पर हम पहुंच गए, पैसा बच नहीं रहा जी। तब कहीं ना कहीं दुई बात आएगा कि गाय पोसने में घाटा है जी, दुई बात आएगा वहां से, या नहीं हमको गाय तो हम पोसे हैं लेकिन अच्छा क्वालिटी के गाय हम नहीं रखे हैं, हम जो 10 किलो निकाल रहे हैं ये अगर हमको 20 किलो निकलता जी, तो आज जीरो पर हैं तो हम कम से कम 500 रुपया तो बच जाता आज, 500 बात समझिए, वहीं से ब्रीडिंग पर आपको नजर आएगा जी। तब आप ब्रीडिंग के बारे में सोचिएगा कि नहीं हम जो 10 लीटर अभी दिन का निकाल रहे थे वो कम से कम 20 लीटर 30 लीटर पर हम जाएंगे तबे हम नस्ल सुधार कर सकते हैं। तो आज वही हमको दिमाग आया कि हम बहुत गाय रखें तो हम 50 लीटर 60 लीटर दूध बेचें, आज वही गाय में हम कुछ सुधार किए, फीड में भी सुधार किए, नस्ल में जबरदस्त सुधार किए, तो आज हमारा दूध दिन का 160 से 70 लीटर अभी बिक रहा है, 160 से 70 लीटर 70 लीटर अभी आपका फार्म का प्रोडक्ट, फार्म का प्रोडक्ट है, जबकि कम गाय लग रही है, बहुत कम गाय माने धेन है, उसका बच्चा जो हम निकाले हैं ना जी, से देखिए टाइसन और जिग बुल का निकल गया है, 5 स्टार का भी निकला है जी। और ई लोग में हम डाल रहे हैं सब जिग का जी, अरमादा है, गणपति है, ऐसे ऐसे बुल का सीमेन हम डाल रहे हैं। तो सर इन बछिया की खासियत क्या होता है, कितना प्रोडक्शन इनका जो फादर या जो इनका जो जनरेशन में जो बुल है या जो इसका सीमेन में वो बताते हैं कि कितना लीटर वो प्रोडक्शन साल में वो उसका था, बता रहे हैं इसका माँ प्रतिदिन 18 किलो दूध की है, 18 किलो हाँ पहला बियात में, ठीक है ना, हम दूसरे बियात में बेच दिए हैं जी, ई बच्चा को हम पहला बियात में 18 से 22 लीटर निकाल लेंगे, 18 से 22 हाँ, लीटर प्रेग्नेंट है 3 महीना के करीब लगभग हाँ, हाँ। तो जिग बुल का सीमेंट डाला हुआ है जी, जी। तो इसका बच्चा जो निकलेगा जी वो तो हमको 25 प्लस में जाएगा, 25 प्लस प्लस में जाएगा, 32-33 लीटर क्षमता तक है उसका दूध करने का जी। तो पहले लॉट में अगर 20 से 25 जाता है, 20 मार रहे हैं तो दूसरे में तो हमको 25 से 30 चल जाएगा। तो ये कौन सा हीफर है सर और कौन सा सीमेन इसके अंदर, इसमें अभी ये है हीफर तो है जर्सी का, इसमें जिग का बुल डाला हुआ, कितने जीग का ये बछिया हिट में आई थी और कब आपने, ये 10 महीना की बछिया थी हिट में आई थी और तभी सीमेन लगा, हाँ तभी पहला बार में सीमेन लगाए और पहले बार में मानी है, एक सीमेन लगाए हाँ। अच्छा तो ये था खास बातचीत, ये अगली बछिया आप बताएं सर इसके बारे में, ये ट्राइसन का डिफरेंट लग रहा है हाँ, इसका सर से लेकर के देख सकते हैं ये कुछ अलग ही इसका इंडियन नस्ल चेंज, गजब ही लग रहा है नस्ल चेंज। तो ये सब सर ये भी बछिया कौन सी ट्राइसन कौन सी अति का है, इसका माँ की कैपेसिटी है 22 लीटर 22 लीटर दूध देती है, दूध देती है अभी भी दे रही है जी, दूसरी भी आत्म है इसका माँ, उसका बुल का जो लैक्टिशियन है जो सीमेन आपने इस्तेमाल किया है, एक लैक्टिशियन में कितना किसका इसका लीटर का था इसका हाँ, जो इसका सीमेन जिससे जन्म लिया, अच्छा अच्छा, तो उस बुल का जो एक लैक्टिशियन का जो क्षमता होता है कि 9000 लीटर 9000 लीटर माँ है इसका 9000 लीटर, तो सर काफी अच्छा प्रोडक्शन हाँ, उसका ये बच्चा हम निकाले हैं ट्राइसन का जी, ठीक है ना जी, और ट्राइसन का बच्चा ये है खुद अपने जी, इसमें जिग का सीमेंट पड़ा हुआ, जिग का सीमेंट सीमेंट पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हमको माने पीक पर हम पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी, दूध में दूध पर पहुँचने वाले हाँ, बहुत जल्दी पहुँचने वाले। ये कितना लीटर सर ये देने का कैपेसिटी रखता है ब्रीडिंग के हिसाब से, 32 लीटर तक ही जाएगी, 32 लीटर हाँ,
और सर इसका ये बताइए कितने महीने में इसका सीमेन लगा? ये तो बहुत कम दिन में लग गया ना, 9 महीना 3 दिन पर लगा है। कौन सा सीमेन लगा है सर इसमें? जिग का लगा है, जिग बुल का। जर्सी में अब हम जिगे में यूज कर रहे हैं, जर्सी में जिग। हाँ, अब जिग कर रहे हैं। जिग हम लोग को पहले नहीं मिल रहा था, हम ट्राइसन मैक्सवेल यही सब कर रहे थे, अब हम जिग लाए हैं और जिग हमारे पास अवेलेबल भी है और जिगे पर अब काम कर रहे हैं, जर्सी में जिग। इसके अलावा बड़ा ही शानदार आपके पास जो ये सब क्वालिटी तैयार हुआ है। ये ब्लैक डायमंड अगर भैंस को बोला जाता है तो मैं बोलता हूँ ग्रीन डायमंड इन गायों को बोलना चाहिए, जो इन्होंने क्रांति है गाय के सेक्टर पालन में और गौ माता का सेवा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो सर ये जो नेक्स्ट है, ये जो है अगर इनकी बात की जाए, ये भी कुछ के बच्चा है, ये मैक्सवेल हाँ के बच्चा है सर। ये मैक्सवेल है कहाँ का बुल पहले ये तो हमें बता दीजिए। हमने तो मैक्सवेल अमेरिका है कि ऑस्ट्रेलिया के कनाडा आया था अमेरिका तो, का ज्यादा तो अमेरिका ही सब रिसर्च किया है ना। हाँ तो बाहू थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे से लियो। और इसमें भी जिग का लगा, इसमें भी जिग का, जिग का लगा। तो ये देखिए, और ये जो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर है, ये 5 स्टार HF का बच्चा है, 5 स्टार HF। हाँ, सहिवाल इसकी माँ है। ABS का सीमेन है? हाँ, ABS का भी है। चलिए, आपने ABS का भी नाम बताया, एक अच्छा सीमेन हाँ, में माना जाता है। इसमें अर्मादा का डाला हुआ है, अर्मादा का। हाँ, ये ABS की थी, लेकिन अब जो सीमेन अर्मादा का है, अर्मादा का। हाँ, इसका बुल जो था, जो सीमेन का, जो एक इलेक्ट्रिशियन में कितना हजार लीटर उसका चलता है? 12-13 हजार लीटर है। 12 अर्मादा का 12-13 है ना, हजार लीटर 15 है। 15,000 लीटर का जो प्रोडक्शन का क्षमता था इसका बुल का, एक एक इलेक्ट्रिशियन में। हाँ, एक इलेक्ट्रिशियन में, एक इलेक्ट्रिशियन में। तो आई सर, 1200 तो कम किसी का है ही नहीं, 1200 से कम है ही ना, नहीं किसी का नहीं। तो सर आगे जो ये बताइए, ये कौन सी जनरेशन में आती है? ये जर्सी है, ये जर्सी है। तो जर्सी में अगर आती है सर, जैसे हम कुछ खास शेप का हैमर सीमेन है, और बता अर्मता का इस्तेमाल किया है सर। ये बताइए कि अगर जैसे कुछ खास डीप में अगर जैसे बात कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग पे ही है तो पूरा डीप में नॉलेज होना चाहिए, कि अगर जैसे HF है तो HF का ही डालना चाहिए? HF है तो HF ही डालना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है जी, कि उसका वजन कितना है। वजन के हिसाब से, मतलब वजन अगर मान ली कि वो छोटा गाय है और बड़ा बच्चा डला जाएगा, बड़ा नस्ल का जी, जी तो बच्चा देने में तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिर बेनिफिट तो है नहीं कुछ। अच्छा, मतलब बच्चा देते समय कम से कम 350 kg हो जाना चाहिए फर्स्ट। स्ट्रक्चर के ऊपर भी? हाँ, 300 kg से ऊपर होना चाहिए, 300 किलो से ऊपर होना चाहिए बच्चा देते समय। हाँ, 400 kg चल जाए तो सबसे अच्छा। तो ये कौन सी नस्ल है जो लास्ट में है सर? ये तो क्रॉस ब्रीड है सहिवाल से, सहिवाल से घर का बच्चा ना है, दूसरे जगह से आया था। अभी हम इसमें ब्राजील का गणपति का सीमेंट डाले हैं। ब्राजील का गणपति का कौन सा सीमेंट है सर? गिर का, गिर लैंडो ना, गिर गर्लैंडो नहीं, गिर, गिर का सिर्फ। हाँ, गिर का सर। अभी गर्लैंडो का सीमेन हम लाए हैं, गिर लैंडो का सीमेन लाए हैं। हाँ, लाए। तो ये पहला ऐसा हमें लग रहा है हमारे तरफ तो, कोई गिर लैंडो और इतनी महंगी महंगी जिग बुल हो गया, जिगो के ना है ये सब का सीमेन। बहुत जगह से तो फोन आता है कि सर जिग का मिलेगा, तो हम बोले हाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये सब जो क्रांति लाए हैं, अच्छा ये गिर का लाने का मकसद क्या है आपका, खुद का इस्तेमाल? एक फॉर्म पर रखने के लिए, एक मतलब देखने के लिए, वो देखेंगे सच्चाई कितना दूध करेगा। जी जी, तो ये